दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई मूजी वबा से मुकाबला कर रहा है। बदकिस्मती से इस वबा का इलाज अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुआ है और ये वबा इंतहाई तेज़ी से पूरी दुनिया को लपेट में ले रही है। आज हमारा मुल्क दुनिया भर की एक बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। अगर हमने आज एहतियात नहीं की तो ये खतरनाक वायरस पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकता है। तो आइए मैं और आप आज अहद करते हैं कि इस वबा से मुकाबले के लिए माहिरीन ने जो इलाज बताया है, यानी कि आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, उस पर अमल करें। कोरोना वायरस जैसी वबा पूरे पाकिस्तान में ना फैले, इसका यही वाहिद तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखी जाए। एक दूसरे के घर मत जाएं, रिश्तेदारों को अपने घर आने से मना कर दें, ना उनके घर जाएं, रश इकट्ठा मत कीजिए। जहां रश इकट्ठा होगा तो ये वायरस एक दूसरे से एक दूसरे में मुंतकिल होगा, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। खुदा रा इस पर अमल कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, ना इससे किसी को नाराज़ होने की ज़रूरत है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके भले के लिए है। मिलकर इस बात की अहमियत को समझे कि फिलवक्त हमें अलग अलग रहने में ही सबकी हिफाजत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।